बिहार के चुनावी दंगल में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने मिलकर प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन बना लिया है। गठबंधन खुद को दलितों शोषितों की आवाज बता रहा है। एक तरफ सांप्रदायिकता है तो दूसरी तरफ जातीयता है। यह जो गठबंधन है यह मानवतावादी गठबंधन। तो पप्पू यादव को मिल गया सियासी साथी। दलित अत्याचार के खिलाफ देश भर में हुंकार भरने वाले चंद्रशेखर आजाद के साथ पप्पू यादव ने बिहार चुनाव में हाथ मिला लिया है। नीतीश आज यदि पैर पकड़ रहे हैं किसी का तो सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए। यदि नीतीश को हैसियत होती तो अकेले लड़के दिखाते। इस बीच में बीजेपी सबसे बड़ा शिखंडी का रोल अदा कर दूसरों के कंधों पर बंदूक रख के जीतनराम मांझी को निकलवाया, उपेंद्र कुशवाहा को बेइज्जत किया, अब कांग्रेस को बेइज्जत कर रही है। रामविलास पासवान जी और नीतीश कुमार जी के बीच भी बीजेपी की ही भूमिका। नरेंद्र मोदी जी गुजरात में चुन चुन के इनके मिनिस्टर ने बिहारियों को पीट के बाहर बिहार भेजा था चुन चुन कर, और आज उनके ही फेस पर बीजेपी चाहती है लड़ना। एक बच्चे की जेब काट ली गई, उसका रेप हुआ, उसके दोनों हाथ पैर तोड़ दिए गए, उसकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर कर दी गई, वो 14 दिन से हॉस्पिटल में है, ना किसी महिला आयोग ने संज्ञान लिया। मैं जहां जाता हूं इसलिए जाता हूं कि इस देश में रहने वाले 19-20% दलितों की भी कहीं बात हो जाए। जिस वर्ग से मैं आता हूं दलित समाज किसी जाति पर अत्याचार होगा, किसी मुसलमान पे बैकवर्ड किसी भाई पे किसी महिला पे अत्याचार होगा तो हम लोग एसी के कमरों में नहीं सोएंगे, सड़क पे निकल के जवाब देंगे। और हम लोग सत्ता में होंगे तो ऐसा दिन नहीं आएगा।